मिल जाते हैं लोग चलते हुए, जीवन की राहें बदलते हुए। कैसे बने हैं ये बंधन, दिल जोड़ता ही चला, सब रास्ते प्यार के ये खोलता ही चला। रब ने बना दिया जो यही रिश्ता क्या कूल है, पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बड़ी ज़ोरों की बारिश हो रही है और मौसम जो है बहुत ही खूबसूरत हो गया है, और हम जी पहुंच चुके हैं ठेंग मोड़ पे। जो आज की हमारी दुल्हन है उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, उनका नाम है ज़ाहिदा, उनकी अम्मी जो है उनका नाम हमीदा है और अब्बू का नाम रियाज है, और रियाज साहब जो हैं वो फलों की रेड़ी लगाते हैं। तो उनके जो बहन भाई हैं वो दो भाई हैं और दो बहनें हैं, जिसमें से एक बहन की शादी हो चुकी हुई है। तो हम चलते हैं ज़ाहिदा के घर, और ज़ाहिदा के घर चल के उनके हालात ज़िंदगी के बारे में उनसे पूछते हैं। थोड़ भी कोई नहीं, अग पानी दा जोड़ भी कोई नहीं, चंगा होवे ते इको ही काफ़ी है, बहुते यार बनावन दी लोड़ भी कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरहाना मकसूद, हाँ कबूल है कि एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ। और आज जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, आप यकीनन इस शेर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जी हाँ, आज हम कसूर में हैं। हमने कहा कि हम इस नगरी में आए हों और बाबा साहब को सलाम करने ना आए, तो हम सलाम करने आए थे, लेकिन आज जिस दुल्हन के हम घर जा रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ से फासले पे है। तो आइए हम ज़ाहिदा के घर पे चलते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि शदीद जो है वो ख़राब मौसम है और पानी जो है जमा हो चुका हुआ है, लेकिन कहते हैं ना कि हम एक फ़र्ज़ को अंजाम देने जा रहे हैं तो मुश्किलात तो आती ही हैं। तो ज़ाहिदा के घर जाने में हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन हम जाएंगे ज़रूर। और चलते हैं जी उनके घर, और चल के उनके घर वालों से बातचीत करते हैं। रास्ता काफ़ी स्लिपरी है और काफ़ी कीचड़ भी हुई हुई है गलियों में। तो जी ये भी एक यादगार शादी रहेगी,
मुझे तो हमेशा याद रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी ज़ायदा के घर है? हाँ जी। हमें प्लस की तरफ से आए हैं, तो हम अंदर आ जाएं आपसे बात करें। जी माँ जी, कैसी हैं आप? ठीक ठीक है। अच्छा माँ जी, बताएं कि आपने शोहर के बारे में बताएं, आपके शोहर क्या करते हैं? फलों की रेड़ी लाते हैं। फलों की रेड़ी लाते हैं, तो किस तरह गुजर बसर होता है? बस गुजर होती फिर दी वेला। कभी घबराहट नहीं हुई कि जाहिर है बच्चे हैं? घबराहट होती है फिर, और नहीं होती घबराहट होती कि बेटियां हैं उनकी शादियां भी करनी है, आजकल अच्छे रिश्ते भी नहीं आते, तो किस तरह करेगा? शोहर मेरा जाहिर है कम आमदनी है, इतना नहीं कमाता, तो बच्चे जो आपके जो तीन बेटे हैं वो बड़े हैं या छोटे हैं? छोटे हैं। छोटे हैं तो काम वाम नहीं करते वो? नहीं, पढ़ते हैं। दे दे दे। अच्छा पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं। अच्छा, और जो बेटियां हैं उनमें से एक तो ज़ायदा हैं, दूसरी बेटी क्या करती हैं? वो भी आधे कार शादी शुदा। अच्छा, शादी हो गई है। हाँ जी। तो ज़ायदा से बड़ी है? ज़ायदा किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। अच्छा, तो शादी, जब माँ बाप बेटियों की शादी के बारे में सोचते हैं तो बड़ी मुश्किल होती हैं। आपको भी रिश्ता ढूंढने में वही मुश्किल? गैर लोग हैं या अपनी? गैर हैं। तो किस तरह से ढूंढा फिर आपने? बस किसी ने घर भाया है, बस इन ढूंढा गया। अच्छा, तो दिल में वो नहीं आता वसवसा या वहम सा कि खानदान नहीं है, बाहर बेटी ब्याह रहे हैं, तो मसले मसाइल ना हो जाएं, बेटी को हो सकता अल्लाह ना करे खुश ना रखें, यहाँ के जाकर कुछ उसको मुसीबत हो, प्रॉब्लम हो? अल्लाह वारिस होता फिर, अल्लाह वारिस। लेकिन माँ तो होती है ना, जिसने पैदा किया होता है, पाला होता है बेटी को, तो उसके तो दिल को होता है कि जो मेरी बेटी है इतनी नाजुक कर ली, आगे जाके पता नहीं कैसा हालात होंगे, क्या होंगे। तो ज़ायदा को आपने पढ़ाया? नहीं नहीं, कुरान पाक पढ़ी। कुरान पाक पढ़ी, तो क्या हालात की वजह से? हालात खराब। अच्छा, तो अब जो बच्चे हैं वो किस तरह से पढ़ रहे हैं? वो सरकारी स्कूल थी। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो और अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे कुछ बताएं कि कहाँ कहाँ आपको मुश्किलात पेश आई, कहाँ कहाँ आपको लगा कि नहीं बस अब तो ख़त्म हो गई, अब तो कोई मेरा एंड हो गया बिल्कुल? एंड ही है। तो बताएं कुछ अपने बारे में, लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं कि आप बताएं लोगों को अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा? बस इस तरह ही गुजरते हैं पाया जी, जिस तरह भी गुजरते हैं पाया जी, इन्ना कोई अल्लाह ने हिम्मत दी होती तो भी कर ली है। अच्छा, तो ये किस तरह से ख्याल आया आपके दिल में कि आप हाँ कबूल है कि जो लोग हैं प्लस हैं उनको खत लिखें? हाँ लिखे, उत्थे भाई है तो उन्होंने फिर सी उम्मीद थी कि हम इस तरह आएंगे ज़ायदा की शादी के दौरान? हाँ, थी उम्मीद। हाँ। अच्छा, तो ये बता कुछ लड़के के बारे में बताइए कि लड़का क्या करता है? लड़का जूतियाँ की दुकान से। जूतियों की दुकान, तो सिखाया कुछ बेटी को कि जब अगले घर जाना है तो वहाँ बहू बन के नहीं बेटी बन के जाना है? सिखाया तो वो तो बताइए, फिर आप बड़ी बेटी भी आई तो भी इस तरह अपने घर खुश होगी। अच्छा। हाँ, तो ये भी अल्लाह सुख दे रहा है। फील नहीं होता कि वही बेटी जो कल जिसको गोदों में खिलाया है, बाप ने इतने लाट किए हैं, बहन भाइयों से लड़ाइयाँ भी की हैं, आज अपने ससुराल चली जाएगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी? कहते हैं ना बेटियाँ तो रौनक होती हैं घर की, तो फिर की करिए फिर अल्लाह से दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि वो बेटी, जाहिर है कहते हैं माँ की परछाई होती है बेटी की, तो वसवसे भी आ रहे हैं जहन में कि मेरी बेटी, जाहिर है बेटियाँ प्यारी बहुत होती हैं, उनके नसीब से डर लगता है, आगे जाके पता नहीं कैसे नसीब है। अल्लाह वारिस है। तो आप क्या समझती हैं ज़ायदा जो है वो कैसी बच्ची है? अच्छी बच्ची। शरारती थी या चुप रहती है? अच्छी है, तंग नहीं करती, फरमाइशें भी नहीं करती? नहीं, होते हैं ना बेटियाँ करती हैं बाप से। नहीं, कोई कोई गाल नहीं है कहती, अच्छी बच्ची। उसने ये भी नहीं कहा कि अम्मी आपने मुझे नहीं पढ़ाया और बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं? वो फिर आप भी पहुँचना ही पढ़ाना सी ना, जो है वो भी आमदनी हो गया तो पढ़ाई ही है ना, तो घर वर के सारे काम ज़्यादा करती है? हाँ, ज़्यादा करती है। खाना बनाना भी आता है? हाँ, सब कुछ सब सिखाया। तो हम ज़्यादा के अब्बू से भी बात करना चाहेंगे, तो उनसे सलाम लेकर। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र। तो किस तरह से गुजर बसर किस तरह से हो जाता है, आसानी से हो जाते हैं, मुश्किलात हो जाती है? मुश्किलात भी आ जाती है, कोई आसानी में हो जाती है। बच्चों की परवरिश में मुश्किलात आई क्योंकि आमदनी कम थी? हाँ, आमदनी कम सीधा खर्चा तो लात ऐसे में तो
सौदा लेने जाइए कोई 200 रुपया कॉल हो गया तो आंधी भी नहीं आती। बेटियों की शादी भी करनी है, रिश्ते अच्छे नहीं मिलते, तो आपको भी इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ा, रिश्ता ढूंढने में मुश्किल करना पड़ना पड़ा, कई बार करना पड़ा। दो ढाई साल हो गए मैं चारा कर रहा था। अच्छा, बिल्कुल कार अच्छा लंबे तो मैं बच्ची की शादी कर। तो अब आप समझते हैं कि जहाँ पे इस जायदा की शादी कर रहे हैं वो इस काबिल है कि उसे संभाल सके और मेरी जो बेटी है वो अपने घर में खुश रह सके। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छी ही करेगा, मुकद्दर रब किसी ने देखे नहीं, मालिक ने देखे नहीं जो होता। तो अभी जब आपने रिश्ता उसका किया है तो उसने चुप करके मान गई है या आप साढ़े बजी कोई बात नहीं ऐसी करते, माँ बाप की सुनते हैं, माँ बाप खूब में छोड़ दे और साड़ी बरादरी में ऐसा। नाज़रीन, ये बड़ा एक अच्छा मैं कहती हूँ साइन भी और एक बड़ी अच्छी ये बात है कि जो बेटियाँ अपने माँ बाप पे इतना भरोसा करती हैं, जाहिर है माँ बाप अच्छा ही चाहते हैं बेटियों के लिए, वो माँ बाप जो एक छोटी सी बच्ची को जो है गोद में उठा के परवान चढ़ाते हैं, फिर जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उनकी कोशिश होती है कि वो दुनिया जहान की खुशियाँ जो हैं समेट कर उनके दामन में डाल दें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उन बेटियों पे नाज आता है जब वो अपने माँ बाप का एक फ़ख्र बनती हैं और अगले घर जाके भी मायके की जो है उन्होंने लाज रखी होती है। तो जी, हमें बड़ी खुशी है कि आज जो है जाहिदा का जो है हम शादी कराने यहाँ पे आए हैं और अल्लाह करे वो अपने अगले घर जाके जो है बहुत खुश रहे, उसको बहुत सी खुशियाँ मिले। और अभी जैसे आप, मैंने सुना है कि आपके जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ सकी है, आपको इस चीज़ का अफसोस है थोड़ा सा कि मैं उसको? थोड़ा अफसोस भी है पर भी वो तो इतना भी आमदनी को नहीं सी थे इस वजह से। बस आप दोनों से बात करके मुझे बड़ी खुशी हुई। अब हम अपनी दुल्हन यानी ज़्यादा से भी बात करना चाहेंगे, कहाँ है वो? ऊपर काम कर रही है। काम कर रही है, तो आप उनको बुलाएं ना, मैं खुद उनके पास जाती हूँ उनसे बात करके। ठीक है, आइए नाज़रीन छत पे चलते हैं। कोई तो प्यार से कहना हाँ।